الحمد لمن قدر خيرا وخبرا على والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بري رب أزلي خلق الخلق كمالا لا زد ولا ند ولا حد لمولا الآن كما كان ولم بل قزوالا لا شبه ولا مثل ولا كفو لمولا ولا والد لا عم وخالا أول والآخر والظاهر حقا والباطن مولاه بلا قيل وقالا اشهد بالله هو الواحد حقا ثم اشهد بالأحمد فولا وجلالا صل على أفضل رسل ونبي في كل صباح ومساء وزوالا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد الولد آدم يوم القيامة ولا فخر وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه السلام آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات ذوق سے شوق سے محبت سے عقیدت سے ادب و احترام سے عبادت کی نیت سے جس کے دل میں جتنی میرے آقا کی محبت ہے اتنی بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف با آواز بلند اکٹھے پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما إبراهيم وعلى آل إبراهيم
حميد مجيد. जो उनके होंठों पे आ गया है वो लफ्ज कुरान हो गया है। सुभान अल्लाह, ढीली है थोड़ी सी, कस लो इसको थोड़ा सा और। जो उनके होंठों पे आ गया है वो लफ्ज कुरान हो गया है। जो लफ्ज कुरान हो गया है वो मेरा ईमान हो गया है। जो उनकी तलियों से लग गए हैं वो जर्र खुर्शीद बन गए हैं। जो उनके तलियों से लग गए हैं वो जर्र खुर्शीद बन गए हैं। अरे जो उनके कदमों ने छू लिया है वो संग मरजान हो। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मोहम्मद हैं शान वाले, है उनका सीना भी शान वाला। मेरे मोहम्मद हैं शान वाले, है उनका सीना भी शान वाला। जो उनके सीने से लग गया है वो सीना जीशान। मुझे मदीने का शौक था पर नजाद रह था नजाद तकवा। मुझे मदीने का शौक था पर नजाद रह था नजाद तकवा। दुरूद पढ़ता रहा मैं हर दम तो काम आसान। ये वक्त की नब्ज थम गई क्यों, ये वक्त की नब्ज थम गई क्यों। क्यों है खामोश निजाम हस्ती। फरिश्ते हैरान, फरिश्ते हैरान के अर्श पर आज कौन मेहमान हो। फरिश्ते हैरान के अर्श पर आज कौन मेहमान हो गया। तारों से ये कह दो पूछ करो अब खुर्शीद मुनव्वर आते हैं। तारों से ये कह दो पूछ करो अब खुर्शीद मुनव्वर आते हैं। कौमों के पैगंबर आ तो चुके अब सब के से। सुनो सुनो, विलादत सुनने आए हो तो सुनो। खुदा अगर मोहम्मद को पैदा न करते, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। जहां से जहालत न काफूर होती, मोहम्मद की जो जलवा नुमाई न होती। न जन्नत न दोजख खुदा पैदा करते, मोहम्मद की अगर रहनुमाई न होती। खुदा जाने शम्स और कमर पूजते हम अगर हिदायत मोहम्मद से पाई न होती। दिलों में इबादत मोहब्बत न होती, किसी की भी मुश्किल कुशाई न होती। मोहम्मद न होते खुदाई न होती। खुदा ने ये दुनिया बनाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। जुल्फे हसीन होंगी, चेहरा कमाल होगा। जिक्र सुनने आए हो किसका, मुस्तफा का। इश्तिहार पे यही लिखा है ना, महफिल जिक्र मुस्तफा। तो जिक्र करने लगा हूँ कि जुल्फे हसीन होंगी, चेहरा कमाल होगा। क्या खूब मुस्तफा का हुस्न जमाल। सुभान अल्लाह, जुल्फे हसीन होंगी, चेहरा कमाल होगा। क्या खूब मुस्तफा का हुस्न जमाल होगा। हुजरे से जब निकलते होंगे हुजूर अनवर, हुजरे से जब निकलते होंगे हुजूर अनवर, शम्सो कमर को भी तब आता जवाब। रंजो मलाल कोई रहता न होगा बाकी, रंजो मलाल कोई रहता न होगा बाकी। तकता मेरे नबी को जिस दम बिलाल। जिंदाबाद, अल्लाह। रंजो मलाल कोई रहता न होगा बाकी, तकता मेरे नबी को जिस दम बिलाल होगा। तुम्हारी तर्जुमानी करने लगा हूँ, मगरिब के बाद से आए हो, सुनना। कह दूंगा ऐ फरिश्तों मैं उनका उम्मती हूँ। कह दूंगा ऐ फरिश्तों मैं उनका उम्मती हूँ, अगर लहद में मुझसे कोई सवाल हो। सुभान अल्लाह, महशर में
महशर में फिक्र होगी अपनी सभी को, लेकिन आका को अपनी उम्मत ही का ख्याल होगा। जिंदगी में जो मुश्किल काम आ गया तो लब पे मेरे मोहम्मद का नाम आ गया। दी खबर आमिना को ये जिब्रील ने, तेरे घर में तो अंबिया का इमाम आ गया। इश्क रखते हैं दिल में जो सरकार का, उनके लब पर दुरूद ओ सलाम आ गया। जिनके लब पर दुरूद ओ सलाम आ गया, उनके हिस्से में कौसर का जाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंतहाई काबिले कदर काबिले सद ताज़ीम व तकरीम लायक सद वाजिबुल इहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुकर्रम हज़रात उलमाए इकराम सदर इजलास उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हजरत अक़दस मेरे सर का ताज आँखों का झूमर उलमाए इकराम जनाब हजरत अल्लामा कारी हाजी मोहम्मद हफीज अहमद साहब मौलाना मोहम्मद मुबीन साहब काबिले कदर हजरत मौलाना मोहम्मद मुबशिर साहब दीगर मजमा में और स्टेज पर तशरीफ फरमा मेरे काबिले कदर हजरात उलमाए इकराम बरादराने इस्लाम आज आप हजरात के सामने मेरे बहुत प्यारे दोस्त बड़े अजीज भाई मुखलिस तरीन भाई जनाबे हाफिज मोहम्मद गुलाम मुर्तदा दिलकश साहब की पुरखलूस और मोहब्बतों भरी दावत पर आप हजरात के सामने गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह इस मुख्तसर से वक्त में इस नाकारा जबान से कोई ऐसी बात निकलवा दे जो कयामत के दिन मेरी और आपकी नजात का जरिया बन जाए, और जो बात भी मेरी जबान से निकले सबसे पहले मेरा रब मेरी जात को, उसके बाद हम सब हजरात को जिंदगी के आखिरी सांस तक उन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझसे पहले आपने बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत आवाजें समात फरमाई। हमारे मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद काशिफ मुर्तदा साहब ने भी अपने खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार फरमाया। मेरे छोटे भाई भाई हाफिज मोहम्मद कामरान अंजुम साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में आपके सामने नबी अलैहिस्सलाम के गुलशन में अपनी खूबसूरत गुल निछावर किए। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद मुबीन साहब ने बड़े ही अहसन अंदाज में मुख्तसर मगर पुर असर जामे पुर मग़्ज़ गुफ्तगू फरमाई। और उसके अलावा मेरे बड़े प्यारे दोस्त हजरत कारी मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब, यकीन करें मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, जब ये पढ़ रहे थे मैं सोच रहा था मेरा सारा वक्त ये भी यही ले लें तो मुझे कोई भी रंज और मलाल ना हो, और यही पढ़ते रहते तो मेरे लिए खुशी का बायस और जरिया होता। अल्लाह पाक इस मेरे भाई की आवाज में अंदाज में उम्र में इलम में अमल में ढेरों ढेर बरकतें नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों मैंने चूंकि मुझे मुख्तसर वक्त दिया गया है और मेरे ऊपर यहाँ पर एक बड़ी सख्त पाबंदी भी है, उन्होंने मुझे कहा यहाँ तूने अपने आप को मेहमान नहीं समझना मेजबान समझना, इसलिए मैं हैरान हूँ जब ये इधर ऐलान करते हैं तो कहते हैं मेहमान खुसूसी और उधर कहते हैं कि तू मेहमान नहीं है मेजबान है। एक तो इनकी बातें भी मुझे समझ में नहीं आती कि कौन सी को मानना है और किस को नहीं मानना है। बहरहाल वो इनकी मोहब्बत है, चाहे जिस तरह इधर कर लें या उधर कर लें, अल्लाह इनको जजाए खैर दे। तो इन्होंने आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जी जी ऐसा ही मामला है। तो बहरहाल मैंने मुख्तसर से वक्त में आप हजरात के सामने गुफ्तगू करनी है। अपनी गुफ्तगू को मैंने चंद हिस्सों में तकसीम किया है, वक्त मैंने मुख्तसर लेना है लेकिन बातें आपने पूरी तवज्जो से मेरी सुननी है। और मेरी माएं बहनें बेटियां भी उधर समात फरमा रही हैं, बापर गयूर बाशऊर इस्लामी माएं बहनें, उनसे भी मेरी दरखास्त है वो भी पूरी तवज्जो यहीं पर मबजूल रखें ताकि उनका आना भी रायगां और जाय ना जाए। तो मेरे दोस्तों मैंने चंद हिस्सों में जो अपनी गुफ्तगू को तकसीम किया उसका पहला हिस्सा है नबी अलैहिस्सलाम का तआरुफ। नबी अलैहिस्सलाम का तआरुफ, आप अलैहिस्सलाम का तआरुफ क्या है, आप अलैहिस्सलाम कौन सी हस्ती है, आप अलैहिस्सलाम का तआरुफ। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आज आप पहली बार सुनेंगे और ये तआरुफ मैं करवाऊंगा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है।
ये तारुफ तो अलहम्द से लेकर वन्नास तक अल्लाह ने कुरान में करवाया हुआ है, बताया हुआ है कि मेरा महबूब कौन है, कैसा है, उठता कैसे है, बोलता कैसे है, जागता कैसे है, सोता कैसे है, बात कैसे करता है, चलता कैसे है, फिरता कैसे है, बैठता कैसे है, गुफ्तगू कैसे करता है, नमाज कैसे पढ़ाते हैं, ज़कात कैसे देते हैं, रोजा कैसे रखते हैं, आका अलैहिस्सलाम की गुफ्तार, किरदार, रफ्तार, आशार, आवाज, अंदाज के क्या गुफ्तार है, आका अलैहिस्सलाम के अंदाज के अंदर, गुफ्तगू के अंदर क्या मिठास है, क्या शीरीनी है, ये सब का सब कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। मकसद यहाँ पर इकट्ठे हो के सिर्फ याद दहानी कराना है, क्या हम अपने नबी के नाम लेवा तो हैं, हम उनकी बातों पर अमल पैरा भी हैं? नाम तो हम लेते हैं, दावे तो हम करते हैं, हम उनकी बातों पर अमल पैरा भी हैं, हमारा किरदार भी उनकी तरह का है, हमारी गुफ्तार भी उनकी तरह की है। जायजा आज हमने जो मेरी गुफ्तगू होगी उसके अंदर यही लेना है, हर किसी ने अपने गिरेबान में झांक कर, मैं भी अपने गिरेबान में झांक कर जायजा लूंगा, मेरी जितनी उम्र गुजर गई है, मैं जो अपने आप को आशिक रसूल कहलवाता हूँ, मेरी जिंदगी की कोई अदा ऐसी है जो पैगंबर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के सांचे में ढली हुई है? आज 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 इसी के लिए हम इकट्ठे हैं और यही जायजा लेना है। जब ये जायजा पूरा हो जाएगा, हमारा ये मुराकबा हो जाएगा, तब मुझे गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। हमने ये जायजा लेना है। अब मेरे पैगंबर का क्या तारुफ है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा मैं विलादत की मंजर कशी करूंगा, उसके बाद में आगे चलूंगा। सैयदना इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम को कहा जाता है जद्दुल अंबिया। क्या कहा जाता है? जद्दुल अंबिया। ये अंबिया अलैहिस्सलाम के दादा हैं, इसलिए कि इन्हीं की नस्ल से आगे अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला चला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दो बेटे दिए, हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अला नबीना अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से, नस्ल से कमोबेश उलमा के मुख्तलिफ अकवाल के मुताबिक, बाज के मुताबिक 4000, बाज के मुताबिक 8000, इनकी औलाद से, इनकी नस्ल से, इनकी जुर्रियत से, इनकी नसब से अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से, औलाद से, जुर्रियत के अंदर एक ही पैगंबर आए और वो नबियों के ताजदार बनकर आए, नबियों के सरदार बनकर आए, वो एक ही आए। अब सवाल ये है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से क्यों आए, इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से क्यों नहीं आए? जवाब बड़ा आसान है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बड़ी है, कुर्बानी बड़ी है, और मेरा नबी भी कुर्बानियों का सबक लेकर आया है। कुर्बानी बड़ी है, गर्दन पे छुरी रख दी गई है, बचपना है, 7 बरस की उम्र है, बाप पूछता है बेटा तेरी क्या राय है, आगे से बेटा भी नबी है। आज अपने माँ बाप के सामने ज़बानें चलाने वालों, दावे तो करते हो इश्क़े रसूल मोहब्बत रसूल के, अपने गिरेबान में जायजा लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम 7 साल का बच्चा है, लड़कपन भी नहीं है, बचपन है, बाप कहता है बेटा ख्वाब के अंदर देख चुका हूँ तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा हूँ। बेटे का जवाब क्या है? क्या वो जवाब है जो आज आप अपने माँ बाप को देते हो? क्या वो जवाब है जो आज मैं अपने माँ बाप का गिरेबान पकड़ लेता हूँ? क्या वो जवाब है जो आज हम अपने माँ बाप को बुढ़ापे के अंदर लावारिस छोड़ देते हैं, जिन माँ बाप ने हमें अपनी गर्मी की परवाह न की, सर्दी की परवाह न की? अरे तू पैदा हो के रात पे तड़पा, बाद में तेरा बाप पहले तड़पा, तेरी आंख से आंसू बाद में गिरा, तेरा बाप पहले रोया तू बाद में तड़पा, तेरे सर में दर्द बाद में हुआ, तेरे पेट में तकलीफ बाद में हुई, तेरे बाप की चीखें पहले निकली, तेरी माँ की चीखें पहले निकली। आज तूने उसी माँ बाप को बेगम के चक्कर में आकर ये कह दिया तुम मेरे घर में रहने के काबिल भी नहीं। सुनने तो आए हैं महफिल जिक्र मुस्तफा, जरा जिक्र मुस्तफा में ये भी तो सुनो कि मेरे पैगंबर ने माँ बाप को क्या अदब सिखाया है, वो पैगंबर क्या माँ बाप की इज्जत लेकर आए हैं? अरे वो पैगंबर जो कहता है काश मेरी माँ जिंदा होती तो ईशा की नमाज की नियत कर चुका होता, मस्जिद नबी होती, सहाबा पीछे होते, मैं मुसल्ला इमामत पे होता, अरे काश मेरी माँ आमना एक मरतबा मुझे आवाज देती, बेटा मोहम्मद मैं नमाज
तू कितने फर्मा बरदार है अपने माँ बाप के। मैंने शुरू में कहा है, मैंने तकरीर नहीं करनी, मैंने बस अपने गिरेबान में झांक के देखना है, बस यही मेरी गुफ्तगू है। इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा बचपन में, बेटा तेरी क्या राय है? बेटे ने क्या जवाब दिया? सुभान अल्लाह, या अबति फाल मा तुमर, या अबति फाल मा तुमर। मैं कहता हूँ सारी औलाद जब अपने बाप से बातें करती है तो सबको इस्माइल के एक जुमले पे मैं कुर्बान करती हूँ, या अबति फाल मा तुमर। पजी जो आपको हुक्म मिला है तो फिर देर किस बात की? आप सोच रहे होंगे इस्माइल तो बच्चा है, इतना आला जवाब कैसे दे दिया? मैं कहता हूं जवाब सुनो, बेटा जो खलील अल्लाह का है, बेटा उसका है जिसने सारी बकरियां अल्लाह का एक मर्तबा नाम सुनने पे कुर्बान कर दी, दिल फिर नहीं भरा, फिर कहता है यार मैं मिन्नत करता हूँ मालिक का नाम, मेरे महबूब का नाम एक मर्तबा और सुना दो। उसने कहा इब्राहिम बकरियां तो तेरी सारी खत्म हो गई, मुफ्त में मैंने नहीं सुनाना, बता देगा क्या? इब्राहिम ने कहा था हाय हाय, मैं जितनी बार भी ये वाकया बयान किया कसम खुदा की मुझे वजद आ जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा यार बकरियां तो खत्म हो गईं, मेरे यार का नाम मेरे महबूब का नाम एक मर्तबा सुना दे, तू बकरियों का मालिक में तेरा नौकर बकरियों का चरवाहा। ये अंबिया का दादा है और उस बंदे का नौकर बन गया है अल्लाह के नाम के खातिर। तुझे आज फखर है मैं फुलाने का अफसर हूँ, और मैं क्यों झुकूं अपने माँ बाप के सामने, मैं क्यों सर झुकाऊं अपने मालिक की चौखट के सामने? उधर भी तो देख अंबिया का दादा है, अल्लाह के नाम पे नौकर बन। तो बेटा जो ऐसी हस्ती का हो तो जवाब क्या तुम्हारी तरह का देगा, मेरी तरह का देगा? यही जवाब देगा ना, या अबति फाल मा तो। बाजी कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म मिला। मैं एक जुमला बोल के इस बात का आगे चलता हूँ। वल्ला हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है आसमान के फरिश्ते दो मर्तबा रोए। आसमान के फरिश्ते कितनी मर्तबा रोए भाई? दो मर्तबा। दिल पे हाथ रख के सुनना, नंबर एक, जब बाप भी नबी बेटा भी नबी, बाप भी इज्जतों वाला बेटा भी इज्जतों वाला, अल्लाह के नाम की खातिर छुरी रख रख जोर जोर से चला रहे हैं, गर्दन पे चलती चलती नहीं, फरिश्ते भी रो पड़े, मालिक ये क्या तेरी कुदरत के करिश्मे है, तेरी की हुई तू ही जाने, पहले 80-90 साल तड़पाता है वो बेटा लेने के लिए तड़प जाते हैं, मालिक बेटा देता ही है, फौरन हुक्म दे देता है जाओ सहराओं में छोड़ करके आ जाओ, शक्ल देखने की इजाजत नहीं, सूरत देखने की इजाजत नहीं, करीब रहने की इजाजत नहीं, बच्चा उठाने की इजाजत नहीं, मालिक तेरी कुदरत के क्या करिश्मे है, पहले 80-90 साल तड़पाता है फिर अगर बेटा देता है, कहता है नहीं नहीं इब्राहिम शक्ल ना देखो, तब से सहराओं में इसको और इसकी माँ को छोड़ के आ जाओ, ठीक है मालिक वो छोड़ कर भी आ गया, कभी मालिक तूने उसको आग के जिहा में तड़पाया, कभी मालिक तूने उससे कौन सी कुर्बानी है जो नहीं ली, अभी क्या बाकी थी कि बेटा चलने फिरने की उम्र का हुआ, इब्राहिम का भी दिल करता होगा अपने बेटे की बातें सुनू। आज तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारा 5 साल का बच्चा, 6-7 साल का बच्चा, तुम घर से थके हुए आओ, तुम्हें अब्बू कहे, तुम्हारे कलेजे को ठंड पड़ जाए, तुम्हारा दिल ठंडक से भर जाए, सुकून से भर जाए, इब्राहिम फरिश्तों ने कहा होगा अल्लाह तेरी कुदरत के करिश्मे तू ही जाने, 7 साल की उम्र का हुआ है, अभी तो बाप का दिल भी इसको देख के नहीं भरा होगा, मालिक ये क्या हो रहा है, वही बाप वही बेटा गर्दन पे छुरी जोर लगा लगा के चला रहे। ये वो वक्त था कि आसमान के फरिश्ते भी रो पड़े। दूसरी मर्तबा कब रोए वो आगे चल के बताऊंगा।
तो मेरे दोस्तों ये इस्माइल अलैहिस्सलाम इनका थोड़ा सा तारुफ मैंने आपको इसलिए करवाया है आपको अपने पैगंबर की थोड़ी सी अजमत की झलकी कुछ नजर आई। जब बाप इतनी कुर्बानियों वाला है तो फिर बेटा क्या लेकर आएगा, ये थोड़ी सी मैंने एक झलकी आपको दिखाई है। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने आगे बनू की नाना को चुना, ये लंबी तफसील है मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि बनू को नाना से कुरैश को चुना गया, कुरैश से बनू हाशिम को चुना गया, बनू हाशिम जो थे फिर हाशिम के आगे बेटों से अब्दुल मुत्तलिब को चुना गया। अब्दुल मुत्तलिब जो थे ये नबी अलैहिस्सलाम के दादा थे, जद्दे अमजद थे, इनका नाम शैबा था। इनके वालिद बचपन में क्योंकि फौत हो गए थे, ये भी छोटे बच्चे थे, तो ये मदीना मुनव्वरा में थे अपने ननिहाल के पास। इनके जो चचा थे उनका नाम था मुत्तलिब। मुत्तलिब एक दफा मदीना मुनव्वरा के अंदर आए, वहां कोई घुड़सवारी का या तीरअंदाजी का मुकाबला था, तो ये जो शैबा थे ये भी वहां पर उस मुकाबले में शरीक हुए। किसी ने मुत्तलिब को कहा कि यार अजीब बात है कि तेरा भतीजा है और तू उसकी परवरिश नहीं कर सकता, वो बेचारा लावारिस है। मुत्तलिब को उनकी बातों को सुनकर हया आई और वो अपने भतीजे को अपने साथ लेकर आए। जब मुत्तलिब के पीछे शैबा बैठे थे तो किसी ने कहा कि ये मुत्तलिब अपने लिए गुलाम खरीद कर ला रहे होंगे। मुत्तलिब अपने लिए क्या खरीद कर ला रहे होंगे? गुलाम खरीद कर, और गुलाम को अरबी में अब्द कहते हैं। गुलाम को अरबी में क्या कहते हैं? अब्द। तो इन्होंने फिर कहा, देखने वाले ने कह दिया, ये मुत्तलिब के पीछे अब्दुल मुत्तलिब बैठा है। मुत्तलिब के पीछे अब्दुल मुत्तलिब यानी मुत्तलिब का गुलाम बैठा, वहीं से इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। वहीं से इनका नाम क्या पड़ गया? अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। ये जब मक्का मुकरमा के अंदर आए, दिनों ही के अंदर ये बड़ी इन्होंने शोहरत पाली, अल्लाह ने इनको बड़ा नवाजा। फिर एक वक्त आया कि ये इनको काबतुल्लाह का वाली बना दिया। यहां मैं छोटा सा एक मंजर कशी करना चाहता हूँ। बहुत सारी माओ ने अपने बच्चों को भेजा बचपन के अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने बचपन में अभी दूध पीते थे संदूक में डाल के अल्लाह के हुक्म से रवाना किया, वो नहीं जानती थी कि जब मूसा लौट कर आएगा तो कलीमुल्लाह बन चुका होगा। शेबा की वालदा ने उनको बचपन के अंदर भेज दिया, वो नहीं जानती थी जब मेरा बेटा लौटेगा तो वाली काबतुल्लाह बनकर आएगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा ने बचपन में उनको भेज दिया था बाप के साथ छुरी दे करके, नहीं जानती थी बेटा लौट करके आएगा तो जबीहुल्लाह बन चुका होगा। 6 साल की उम्र में किसी की अम्मा भी दागे मुफारकत दे गई थी, वो नहीं जानती थी कि उसका लख्त जिगर बड़ा होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे दोस्त, ये है मेरे आका का तआरुफ। रबीउल अव्वल के अंदर मेरे आका की विलादत है, रबीउल अव्वल के अंदर मेरे आका ने हिजरत फरमाई है, रबीउल अव्वल के अंदर ही मेरे आका की वफात है। नाराज ना हो तो यहाँ पर एक छोटा सा जुमला आपको देने लगा हूँ, याद रखना मेरी बात। जुमले मेरे नहीं है, जो कुछ है हुआ इन्हीं से सीखा हुआ है, इन्हीं की जूतियों में चंद घड़ियां जो गुजारी हैं, ये सारे मेरे असातिज़ा की उम्र के हैं या मेरे असातिज़ा के दर्जे के हैं। मैंने अपने असातिज़ा से जो कुछ सीखा है वो इनको सुना रहा हूँ, सही सुना रहा हूँ ताकि इनसे दुआएं मिल जाए, बस। और मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं अर्ज ये करने लगा था, मेरे उस्तादों ने मुझे एक जुमला दिया था, वो आज आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, फ्री में गिफ्ट कर रहा हूँ। रबीउल अव्वल के अंदर विलादत रसूल है, रबीउल अव्वल के अंदर ही वफाते रसूल है। जुमला दिलों की तख्तियों पर लिख के ले जाना अगला, रबीउल अव्वल के अंदर विलादत रसूल तकाजा ये है कि जिक्र रसूल करो, जो कि हम करते हैं और करना चाहिए, मोहब्बत से करना चाहिए। मैं कहता हूँ जो नहीं करता वो उम्मती और आशिक कहलाने का हकदार ही नहीं। विलादत रसूल रबीउल अव्वल के अंदर है, तकाजा क्या है कि हम जिक्र रसूल करें। और अगला जुमला भी आप अपने दिलों को संभाल के नोट कीजिएगा, रबीउल अव्वल के अंदर वफात रसूल भी है, इसका तकाजा है कि फिक्र रसूल।
ये वही है जिसकी मौली मुबीन साहब आपको कह रहे थे कि 11 12 13 को इज्तिमा आ रहा है, उसमें क्या करने जा रहे हैं? कुछ फिक्र भी दी थी, जिक्र करो, हमने कब जिक्र से मना किया? हम तो खुद जिक्र करते। मैं तो कहता हूँ हमारे बुजुर्गों ने ये सबक सिखाया है, पूरी दुनिया के दरख्तों को तुम कलम बनाओ, पूरी दुनिया के समंदर के पानी को स्याही बना लो, पूरी दुनिया की जमीन को तुम इसको लिखने की जगह बना लो, तख्तियां बना लो, इस पे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र लिखना, तारीफ लिखना, औसाफ लिखना शुरू कर दो। मेरा, मेरे अकादर का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे उस्तादों का, मेरे उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का ठोक कर अकीदा है, नजरिया है, मौकफ है, मिशन है, काज है, अंदाज है। क्या दुनिया के दरख्त भी खत्म हो जाएंगे, समंदर भी खत्म हो जाएंगे, जमीनें भी कम पड़ जाएंगी, हुजूर की सीरत का एक गोशा भी तुम नहीं लिखा? हम तो उस जिक्र के कायल हैं, हम तो इस तरह का जिक्र। और हैरान हैरान हो जाओगे, मैं आज इसे अपने दोस्तों में बैठकर कह रहा था, अरे हमने तो बुजुर्गों से इस तरह जिक्र सुना है, फरमाया करते थे, अरे तुम सिद्दीक अकबर की शान पूछते हो मुझसे, मैं तो उस दराज गोश पर कुर्बान जाऊं जिस पर मेरे पैगंबर के कदम लग गए। वो गदा, वो जानवर, अदब का तकाजा ये है कि जब गधे पर हुजूर अलैहिस्सलाम सवार हो जाएं, उसको गधा ना कहो, उसको दराज गोश कहो। बुजुर्ग फरमाते हैं जिस दराज गोश पर पैगंबर के कदम लगे, मैं तो उस दराज गोश पर कुर्बान हो जाऊं। तुम सिद्दीक अकबर, मेरे दोस्तों, मैंने आयत पढ़ी कि अल्लाह ने अपने नबी को सारे आलम का रसूल बना के भेजा, सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा, सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। हाँ हाँ, नबी पहले भी आए थे, कोई एक कौम का नबी बनकर आया, एक कबीले का नबी बनकर आया, एक जगह का नबी बनकर आया, एक मखसूस वक्त का नबी बनकर आया, लेकिन मेरे नबी जो आए तमाम जमानों के नबी बनकर आए, तमाम जगहों के नबी बनकर आए, तमाम मखलूकात के नबी बनकर आए। जी हाँ, मेरा नबी इंसानों का नहीं, जिन्नात का भी नबी है, मेरा नबी इंसानों का नहीं, हैवानात का भी नबी है। वक्त होता मैं दलाइल देता, हैवानात का नबी किस तरह है, किताबों में लिखा है, ऊंट आता है, पैगंबर के कदमों में सर लगता है और कहता है, अल्लाह के नबी ने उसके मालिक को बुलाकर फरमाया, तू शिकायत कर रहा है, तू काम ज्यादा लेता है, चारा थोड़ा डालता है, धनोट में आने वालों, बस्ती दरखाना वाली में आने वालों, तुमसे पूछता हूँ, मुझे बताओ, ऊंट को किसने बताया कि शिकायत इसको जाके कर? जी, ऊंट को किसने बताया शिकायत इसको जाके कर? मालूम हुआ ये पैगंबर इंसानों का नहीं, हैवानात का नबी, और हैवानात का नहीं, नबातात का भी नबी। मौलाना मुबीन साहब कह रहे थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिस तने के साथ टेक लगा के, सहारा लगा के खुतबा दिया है, खुदा की कसम वो तना भी छोटे छोटे मासूम बच्चों की तरह भुलक के यूं रोया है, जिस तरह किसी का बाप जुदा हो जाए, किसी का माँ जुदा हो जाए। मुझे बताओ, तने को किसने बताया था कि इसकी जुदाई में रोना है? जी, तने को किसने बताया था इसकी जुदाई में रोना है? पता चला मेरे आका से मोहब्बत सहाबा ने ही नहीं की, आका से मोहब्बत ऊंटों ने भी की है, आका से मोहब्बत नबातात ने भी की है। इससे बढ़कर कहूँ, आका से मोहब्बत जी, आका से मोहब्बत जमादाद ने भी की है, पत्थरों ने भी की है। ज्यादा तफसील में नहीं जाता, तुमसे पूछता हूँ, अबू जहल की मुट्ठी में पत्थरों ने कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्यों पढ़ा? किसने उनको कहा था कि कलमा पढ़ लो? किसने बताया था कि इसका कलमा पढ़ना है? मालूम हुआ मेरा नबी पत्थरों का भी नबी है,
मेरा नबी जमादात का भी नबी है, मेरा नबी नबातात का भी नबी है। अब अगला जुमला मेरा पे हाथ रख के सुनना, सुनना मेरे दोस्तों, तुमसे पूछता हूँ, पत्थर तो पैगंबर की बात मान के बोल पड़ा, दरख्त तो पैगंबर की जुदाई में रो पड़ा, आज द नोट के रोशन जमीर को दारी पे छुरी चलाते हुए, दारी पे कैंची चलाते हुए, पैगंबर की बताई हुई नमाज को कजा करके सोते हुए, उसको जरा बराबर भी दिल नहीं धड़ता, मैं इस पैगंबर का नाम ले रहा हूँ, इस पैगंबर का कलमा पढ़ता हूँ, उसको क़यामत के दिन मुंह की साल में दिखाऊंगा। जी दरख्त तो रो पड़े, पत्थरों ने तो बात मान के कलमे पढ़ लिए, तुझे मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं, तुझे मुझे उन जैसी अब तक शक्ल ही बनाने की तौफीक ना मिल सकी, किस मुंह से मैं आज दावा करूं कि मैं आशिक रसूल। मैं ये नहीं कहता कि अपने आप को ना कहो, जरूर कहो, लेकिन कहने से पहले मुझे सोच भी लेना चाहिए, मेरा अमल है, मेरा किरदार है, अगर नहीं है तो बनाओ, मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है। कोई बात समझ आ रही है? बोर हो रहे हो तो यहीं पे खत्म करके दुआ करा देता हूं। जी सोचने की जरूरत है या नहीं कि भाई पत्थर तो बात मान के कलमे पढ़ रहे हैं, और मेरे दोस्तों इससे बढ़कर तुम्हें बताऊं, मेरे पैगंबर से सारी चीजों ने मोहब्बत की और नबी ने अपनी उम्मत से क्या मोहब्बत की। अहमद भाई वो किसी ने कहा था कि इश्क जब एक तरफ से हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ से हो तो फिर मजा सजा देता है। यहाँ मोहब्बत दोनों तरफ से, यहाँ मोहब्बत दोनों तरफ, इधर मोहब्बत का ये हाल है कि सहाबा वजू के पानी के कतरों को जमीन पे नहीं गिरने देते। नहीं यकीन तो पूछ लो इन उलमा से। बुखारी शरीफ जिल्द सानी में रिवायत मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम वजू फरमाते थे, सहाबा अपने अपने हाथों को आगे करके खड़े हो जाते, पैगंबर के वुजू के पानी के कतरे हमारे हाथों पे गिरे। जब नबी अलैहिस्सलाम के पानी के कतरे गिरते मेरे दोस्तों, वो सहाबा बरकत समझ के अपने चेहरों पे फेरते। अच्छा अगली बात सुन के हैरान हो जाओगे, वो तो अपने चेहरों पे फेर लेते जिनको नहीं मिलती, जिनको ये कतरे नहीं मिलते वो उनके हाथों के साथ हाथ लगा के उस तरी को मुंह के फेर पे खुश हो जाते, हमें अपने पैगंबर के हाथों की तरी तो मोहब्बत का ये हाल है, इधर मोहब्बत का ये हाल है कि वो रंग का काला हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अनहु 12 रबीउल अव्वल को जब रहलत रसूल होती है, कहने वाले ने कहा बिलाल बड़ी अजाने पढ़ते थे, आज जरा मस्जिद नबी में जाके अजान पढ़ो ना। बिलाल की चीखें निकल गई, बिलाल तड़प के कहता है यारो तुम्हें राज का नहीं पता, पहले अजान पढ़ता था अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहते हुए रसूलुल्लाह सामने होते थे, मिंबर की तरफ इशारा करके, मुसल्ले की तरफ इशारा करके कहा करता था, आज मिंबर मिंबर मुसल्ले को खाली देखूंगा बेहोश होके गिर जाऊंगा। ये तो बड़ी मशहूर बात है, चलो अगली बात भी सुन लो। यही वो बिलाल है जिसके इश्क की इंतहा ये थी कि ख्वाब में देखा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल क्या वजह है मिलने नहीं आते, कसम खुदा की बिलाल जूते पहने बगैर भाग। मैं भी आशिक रसूल, आप भी आशिक रसूल, जरा सीखो तो सही इश्क कैसे होता। मेरे पैगंबर ने गरीबों से बड़ी मोहब्बत की, यतीमों से बड़ी मोहब्बत की। वक्त होता मैं आज तुम्हें मिसालें सुनाता। मिश्कात शरीफ की हदीस कुछ ही दिन पहले पढ़ रहा था। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान के अंदर गए,
वहां बैठ के देर तक मेरे काली कमली वाले रोते रहे, आंखों से आंसू बहाते रहे, सहाबा मेरे पैगंबर को देखकर रोते रहे। जब काफी वक्त गुजर गया, मेरे पैगंबर फरमाने लगे, काश मैं अपने भाइयों से मिलता, काश मैं अपने भाइयों से मिलता। सहाबा तड़प गए, या रसूल अल्लाह, किन भाइयों से मिलने की बात करते हो, किन भाइयों को देखने की बात करते हो, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? हमने आपकी खातिर बीवियां बेवा करा दी, बच्चे यतीम करा दिए, घर बार कुर्बान कर दिए, अल्लाह के नबी और तो और हमने न घर देखा, न बाहर देखा, न औलाद देखी, न बीवी बच्चे देखे, आपके हुक्म पे सब कुछ लौटाते चले आए, घर से बेघर होना पड़ा, हो गए और तो और। मैं कहा करता हूँ, सहाबा ने इश्क किया तो यूं किया, उबलती देखो में जल गए, परवाह न की, इश्क किया तो यूं किया, फांसी के फंदों पे झूल गए, परवाह न की, इश्क किया तो यूं किया, सूली पर लटक गए, परवाह न की। जी जी, मेरे सामने बुखारी शरीफ जिल्सानी की रिवायत मौजूद है, जैद बिन अद्दसना जब उनके फांसी पे लटकाने का वक्त आता है, वो काफिर करीब आके कहता है, जैद जरा बता तेरी आखिरी ख्वाहिश। वो काफिर चिढ़ाने के लिए देखने के लिए कहने लगा, जैद, इम्तिहान लेने लगा ना, कहने लगा, जैद क्या ही अच्छा होता अगर आज तू मदीना में होता और तेरे पैगंबर को यहाँ हम सूली पे लटका देते। तू कहाँ होता? मदीना में, और तेरे पैगंबर को हम यहाँ तेरी जगह। हजरत जैद रजी अल्लाह ताला उनको अपनी सारी तकलीफ भूली, उनकी आंखों में आंखें डाल के फरमाने लगे, जालमो, तुम मेरे पैगंबर के यहाँ होने की बात करते हो, मुझे तो ये भी गवारा नहीं है, मेरे प्यारे लाडले सच्चे सुच्चे महबूब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने देश में हो, मदीना मुनव्वरा में हो, और उनके पांव मुबारक में कांटा भी छुप जाए, मुझे तो ये भी गवारा नहीं। इश्क तो फिर ऐसा होता है मेरे भाई, मौत की सख्तियां भी बुला देता है। असल में मुझे और आपको इसलिए पता नहीं चला, हमने तो सोशल मीडिया के दोस्तों के साथ इश्क करना सीखा ना, ये टच मोबाइल के फितनों के अंदर हमने मुब्तला हो गए, नए नए निरंगे दोस्तों के साथ फेसबुकों पर, यूट्यूब पे, और पता नहीं किस किस चीज पे, मैसेंजर और व्हाट्सएप पे हमने इश्क करने सीखे। काश के हमने पैगंबर का इश्क भी सीखा होता। तो उन सहाबा ने पूछा कि आप कौन से भाइयों को देखने की बात करते हो। अब अगला जुमला सुनने से पहले सुभान अल्लाह एडवांस मुझे चाहिए, थोड़ा और एडवांस चाहिए। सुभान अल्लाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मेरे सहाबा, नहीं नहीं, तुम तो मेरे साथी हो, उन भाइयों को देखने की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बाद आएंगे, मुझे देखे बगैर मेरा कलमा पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, नोट वालों तुम्हें मुबारक हो, मुबारक हो, 1400 साल पहले मेरा पैगंबर तुझे मुझे अपना भाई कह गया। आज के माँ बाप से पूछता हूँ, मरते वक्त अपने इनको औलाद याद होती है, पैगंबर को 1400 साल पहले तुझे मुझे अपना भाई कह रहे हैं, जरा सोच उनकी क्या मोहब्बत है और मेरी क्या, उनकी क्या मोहब्बत थी। और एक हदीस और पढ़ दूं मिश्का शरीफ की, जी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात शरीफ का वक्त आया, बिल्कुल आखिरी घड़ियां हैं, 12 रबीउल अव्वल का दिन है, और कोई मेरे ऊपर ये फतवा ना लगा दे कि मौलवी 12 रबीउल अव्वल को विलादत का मुनकिर है, ये फतवा ना लगाना। मैंने अब तक अपनी तकरीर के अंदर ये कहा है कि 12 रबीउल अव्वल को विलादत नहीं है, क्यों भाई ये कहा है? मैंने नहीं कहा, लेकिन मैं इतना अर्ज कर रहा हूं कि अगर विलादत है तो वफात भी इसी तारीख को, ये भी तो याद रखो ना मेरे दोस्त। इसलिए फतवा लगाने से पहले बात को समझना जरूर। अर्ज ये करने लगा हूं, मेरी अम्मी जान फरमाती हैं कि जब वफात शरीफ का वक्त आया, मेरे पैगंबर ने यूं शहादत की उंगली दराज फरमाई और दो जुमले फरमाए, अस्सलात अस्सलात।
عائشہ میری امت سے کہنا نماز کی پابندی کرے, نماز کی پابندی کرے. مولانا اجازت ہو تو ایک جملہ عرض کر دوں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی نے وفات کے وقت دو جملے بولے. کتنے جملے؟ دو. الصلات الصلات ایک جملہ, وما ملکت ایمانکم دوسرا جملہ. دونوں جملوں کے اندر پورا دین بیان کر, دونوں جملوں کے اندر. پہلے جملے کے اندر کہا نماز کی پابندی کرنا, اشارہ کر دیا حقوق اللہ کو قضا نہ کرنا, حقوق اللہ کا خیال کرنا. دوسرا جملہ فرمایا وما ملکت ایمانکم اپنے ماتحتوں کا, اپنے نوکروں کا خیال کرنا, اشارہ کر دیا حقوق العباد کا بھی خیال. سبحان اللہ, پورے کا پورا دین. اب اسی سے جڑتی ہوئی ایک حدیث اور سنانے لگا ہوں تمہیں. مشکاۃ شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ قیامت والے دن ڈھیر ساری امتیں ہوں گی, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک, آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں؟ یہ بات بہت توجہ سے سننا, اگر یہ بات آپ کے پلے پڑ گئے خدا کی قسم آپ کا قدم قدم چل کے آنا کامیاب ہو. کہ امتیں تو بہت ہوں گی تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اب پیغمبر علیہ السلام نے ایک نشانی بتائی تھی, اس وہ نشانی میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اور پھر آپ نے گھروں میں جا کر کم از کم ایک بار سوچ ضرور لینا, میرے اندر یہ نشانی ہے, میرے اندر یہ نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نہیں, جو میری امت کے لوگ ہوں گے نا, وہ جب دور سے آ رہے ہوں گے ان کے وضو کے اعضاء سورج سے بھی زیادہ تیز چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ, سورج سے بھی زیادہ تیز چمک رہے ہوں گے, اور مجھے دور سے پتا چل جائے گا چمک والا میرا امتی ہے. چمک والا, بولو بولو چمک والا. اب یہاں پہ آپ سے ایک سوال ہے, یہ چمک تو اس کے چہرے پہ نظر آئے گی میرے دوست جس نے وضو کیا ہو, جس نے اذان سن کر نماز کے لیے دکان بند کی ہوگی, وضو کیا ہوگا, وہ تو چمکے گا اور اس کی تو چمک حضور کو نظر آ جائے گی. جس نے وضو ہی نہیں کیا وہ لاکھ کہتا رہے یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں آپ کا امتی ہوں, اگر کالی کملی والے نے کہہ دیا کہ جو نشانی میں نے بتائی تھی وہ تیرے اندر کہاں, اللہ تو کس منہ سے سامنا کرو گے حضور کا؟ جی سوچنے کی بات تو ہے نا میرے دوست. چھوڑ دو یار سارے اختلافات کا, نور بشر کو اور اس کو اور اس کو, صرف اپنے گریبان میں جھانک کر یہ سوچ لو ہم کس قدر اپنے پیغمبر سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور ہمارا عمل کیسا ہے اس پہ. جی, چھوڑ دو سارے اختلافات کو, بلا دو کون دیو بندی کون بنے, ایک لمحے کے لیے یہ تو سوچ لو کہ اپنے پیغمبر کو منہ تو سب نے دکھانا ہے نا بھائی, دیوبندیوں نے بھی دکھانا ہے, بریل کو نہیں دکھانا ہے. کون سا دیوبندی جو کہے گا کہ نہیں نہیں میں بڑا پرہیز کر رہا ہوں, منہ تو دکھانا ہی پڑے گا, سامنے تو کرنا ہی ہے. نشانی چاہے کوئی بریل بھی ہے اس کے اندر نہ پائی گئی, دیوبندی ہے اس کے اندر نہ پائی گئی, اللہ کے نبی نے تو پکڑ لیا, نشانی نہیں ہے تیرے اندر, کس منہ سے میری امت ہونے کے دعوے کرتا رہا ہے؟ جی تو میرے عزیز اس پر سوچنا ضرور. اب آخر میں میں ایک دو باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعلی اخلاق دیا. جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ اب یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو, کیونکہ میں نے عرض کیا تھا میری گفتگو کے مختلف حصے, کچھ حصہ غم والا بھی ہوگا, کچھ حصہ خوشی والا بھی. پیغمبر غموں والا بھی نبی ہے, خوشیوں والا بھی نبی. وہ روتا تھا تو اس کے رونے سے آسمان بھی روتا تھا, زمین بھی روتا تھا. قسم خدا کی کچھ دن پہلے ایک واقعہ پڑا, میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. مکہ مکرمہ کے اندر مولا ایک ماں تھی اور ایک بیٹا تھا, دونوں مشرک تھے. دونوں کیا تھے؟ بڑی توجہ سے بات سننا, میرا ایک ایک جملہ انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. میں نے پہلے کہا تھا ماں بھی مشرک ہے, بیٹا بھی مشرک ہے, عورت بیوہ ہے, اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے, بچہ 8 سال کی عمر کا ہے, ماں بڑی غریب ہے,
बड़ी फकीर है, लोगों से मांग तांग के अपने बेटे को कपड़े पहनाती है, खिलाती पिलाती है। 8 साल का बच्चा है, एक दिन आखिर बच्चों के भी जज्बात होते हैं। अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी जी मैं आपके अंदर बाकी बच्चों की माओं की तरह वो चीज महसूस नहीं करता। बाकी बच्चों की माए अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, बड़ी ठाट बाट के साथ रहती हैं। ये जो मेरी माए बहनें सुन रही हैं, उनसे भी दरखास्त है जरा खामोशी से ये जुमले नोट कर लें अपने पैगंबर की सीरत के। फिर कहो कि गुलाम मुर्तजा ने प्रोग्राम कराया था, मौलवी तो बुला लिया था, बात कोई पल्ले नहीं पड़ी। बात दिल के कान खोल कर बैठोगे तो फिर ही पल्ले पड़ेगी ना। तो उस बच्चे ने कहा, अम्मी जी आपके अंदर बाकी माओ की मुझे झलक नजर नहीं आती, आपके जिस्म पे फटे पुराने कपड़े रहते हैं हर वक्त। उसकी माँ कहने लगी, बेटा मैं तुझे क्या समझाऊं, 8 साल तेरी उम्र है, उनकी माओ को अच्छे कपड़े ला के देने वाले उनके बाप मौजूद हैं, तेरा कौन सा बाप है जो मुझे अच्छे कपड़े ला के दे। और बेटा मैं तो लोगों के घरों में काम करती हूँ, उससे जो मेरे को जो 4 आनी चवाने को 4 पैसे मिलते हैं वो तेरे ऊपर लगा देते। नहीं नहीं अम्मी जी, आज मैं अपने चचा के पास जाऊंगा और आपके लिए चादर लेके आऊंगा। बच्चा तो बच्चा ही होता है, अपने चचा के पास जाऊंगा और आपके लिए चादर लेके आऊंगा। माँ ने कहा, बेटा तेरा चचा बड़ा जालिम है, वही है जिसने तेरे बाप के मरने के बाद मुझे अपने घर से निकाला, उसने हमें जमीनों जायदादों से हिस्सा नहीं दिया, तुझे वो कहां चादर देगा। अम्मी नहीं नहीं मैं मासूम हूं, हो सकता है मुझे देख के उसको तरस आ जाए, मेरी मासूम शक्ल को देख के उसे तरस आ जाए। माँ ने कहा, अच्छा बेटा शौक पूरा कर ले। माँ ने तैयार कर दिया, बच्चा चला गया, बड़ा सफर करके अपने चचा के पास पहुंचा। जिस वक्त पहुंचा तो चचा शराब पी रहा था दोस्तों के साथ बैठ। इस बच्चे ने जाके कहा कि मैं आपका भतीजा हूं और अपनी माँ के लिए चादर का सवाल करता हूं, मेरी माँ के पास पहनने के लिए कोई अच्छा कपड़ा नहीं है। बजाय इसके कि चचा प्यार करता, सीने से लगाता, खाना वाना पूछता, उसने बच्चे को मारना शुरू कर दिया, जुल्म और सितम शुरू कर दिया। इतना मारा कि बच्चे के कपड़े फट गए। बच्चे बेचारे ने बचाओ बचाओ की आवाजें लगाई, मार मार के चचा थक गया। लोगों ने कोई लान तान किया, शर्म हया नहीं आती, कुछ दे नहीं सकता, बच्चे को मार तो ना। उसने छोड़ा बच्चा, रोता कुरलाता हुआ वापसी आ रहा था। रस्ते में किसी ने शक्ल देख के कहा, बेटा क्या हुआ, कहां से आ रहे हो। बच्चे ने सारा माजरा कह के सुनाया। वो आदमी कहने लगा, बेटा तुझे एक रास्ता बताता हूँ, काबतुल्लाह के अंदर जाना, वहां एक मोहम्मद नामी शख्स होगा, उसे जाके अपने जाके सारी ये कैफियत बताना, मुझे उम्मीद है वो तुझे खाली नहीं। मैंने पहले कहा है दोनों माँ बेटा मुशरिक थे, मगर वो तुझे खाली नहीं मोड़ेगा। बच्चा अपने घर की तरफ आया, घर आके माँ ने जब ये हालत देखी, कहा बेटा मैं तो तुझे पहले कह रही थी तेरा चचा बड़ा जालिम है, क्यों गया था, तुझे रोका भी था। अम्मी मैं तो इसलिए गया तो शायद उसको तरस आ जाता, कि अब क्या पता वो दिल नहीं, दिल में सिल रखता है, पत्थर रखता है, जिसको मासूम बच्चे को देख के भी तरस ना आए। अच्छा अम्मी जी मैं, मुझे रास्ते में किसी बंदे ने एक शख्स का नाम बताया है, मैंने उसके पास, बेटा क्या नाम बताया, अम्मी मोहम्मद बताया। ना 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 बेटा, उसके पास नहीं जाना। नहीं बेटा नहीं, अम्मी जी एक मरतबा मुझे जाने दीजिए। बेटा वो साहिर है, जादूगर है, जो उसके पास जाता है वो उसी का होता है, ना जाना। नहीं नहीं अम्मी जी एक मरतबा तो जाने दो, हमने अपने काम के लिए जाना है, हमें क्या लेना देना उसके दीन से, मजहब से, मसलक से। जब बच्चे ने ज्यादा जिद की, माँ ने कहा अच्छा चला जाना, अच्छा चला जाना। बेटा गया, काबतुल्लाह में दाखिल हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के झुरमट में बैठे हुए थे, ऐसे जैसे चांद सितारों में चमक रहा होता है। बच्चा जैसे काबतुल्लाह में इंटर हुआ, अब वो सोचने लगा कि इनमें से मोहम्मद कौन होगा।
चक्कर बैतुल्लाह के चक्कर लगाने लग गया, लगाते लगाते कहता है मैंने एक चेहरे को देखा, देखते का यही मोहम्मद होंगे, क्योंकि उस चेहरे से ज्यादा नूर वाला और कोई चेहरा ही नजर नहीं आया। मैंने जाके हुजूर के कंधों पे हाथ रखा, अल्लाह के नबी ने ऊपर देखा, कौन हो? उसने कहा मैं यतीम हूँ, मेरी वालदा बेवा है, मेरे वालिद फौत हो चुके। ये कहने के बाद जब उसने अपनी सारी किस्सा कहानी सुनाई, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह पड़े और अल्लाह के नबी ने उठकर उस बच्चे को सीने से लगा के कहा मैं भी यतीम हूँ, मेरी वालदा भी बेवा हो गई थी और मेरे वालिद भी फौत हो गए। तुमने भी मोहब्बत की है हुजूर से, दाढ़ियों पे छुरियां चला के एक लम्हे के लिए सोच तो लेते, जिसने इतना तड़पा के जमजम के कुएं पे बैठे थे, थोड़ा सा पानी नोश फरमा के बाकी कुएं में डाला। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह हम इंतजार में थे आपका बचा हुआ तबर्रुक हमें मिल जाएगा, आज आपने तकसीम नहीं किया, कुएं में क्यों डाला? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच देखो, तड़प देखो, तलब देखो, अपनी उम्मत के साथ मोहब्बत देखो। फरमाने लगे मेरे सहाबा तुम तो मेरे साथ हो, बाद में भी तुम्हें मेरा बचा हुआ तबर्रुक मिल जाएगा, मगर आज मैं सोचने लगा तुम्हारे बाद जो मेरी उम्मत आएगी, अगर उसके दिल में ये ख्याल आ गया, ये ख्वाहिश आ गई, ये तमन्ना आ गई, ये तड़प आ गई, ये आरज़ू आ गई, काश कि हमें भी अपने पैगंबर का बचा हुआ दो लब दो घूंट पानी मिल जाता, कहीं वो इस तमन्ना में तड़पते तड़पते मर न जाए, इसलिए आज मैंने दो घूंट पी के बाकी जमजम के कुएं के अंदर डाल दिया, ताकि कयामत तक आने वाला हर उम्मती जब भी जमजम का पानी पिए मेरे मोहम्मद का बचा हुआ तबर्रुक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। जी जी, मैं बिल्कुल इख्तिसार की तरफ ही चल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात करके बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे पैगंबर को अल्लाह ने हर कमाल कमाल दर्जे का दिया, अल्लाह ने हर कमाल। अब आखिरी जुमले हैं मेरी गुफ्तगू के, अब तक तो मैं बोला हूँ और आप चुप रहे हैं, और अब मैंने भी बोलना है और आपने भी बोलना है। अल्लाह ने मेरे पैगंबर को हर कमाल, इसलिए हमारे उस्ताद फरमाया करते थे अल्लाह ने मेरे पैगंबर को हर चीज आला दी, हर चीज। अब आपने मेरे साथ मिल के कहना है हर हर लफ्ज के बाद, हर फिक्रे के बाद, हर जुमले के बाद, हर मिसरे के बाद के सबसे आला क्या कहना है? जो कहेगा ना, मैं कसम खुदा की खा के कहता हूँ, जो कहेगा मैं अपनी माजूरी के बावजूद इनके सफेद बालों का अल्लाह को वास्ता दे के दुआ करता हूँ, जो जितनी ऊंची आवाज से जितनी मोहब्बत में मेरे साथ सबसे आला का लफ्ज बोलेगा, अल्लाह उसे दुनिया में भी और आखिरत में सबसे आला बनाएगा। बताओ बोलोगे मेरे साथ के नहीं बोलोगे? जो बोलेगा मैं दुआ करूंगा अल्लाह उसको मक्का मदीना इसी साल दिखाए, इसी रमजान में दिखाए, अल्लाह उसको कयामत के दिन हुजूर की शफाअत नसीब फरमाए। मेरे 5 से 7 मिनट बाकी रह गए तो मैं कहलवाना चाहता हूँ, हुजूर की सूरत सबसे आला, बोलो हुजूर की सूरत सबसे आला, हुजूर की सीरत सबसे आला, हुजूर की शान सबसे आला, हुजूर का मकाम सबसे आला, हुजूर की इज्जत सबसे आला, हुजूर की अजमत सबसे आला, हुजूर की रिफत सबसे आला, हुजूर की मंतबत सबसे आला, हुजूर का मक्का सबसे आला, हुजूर का मदीना सबसे आला, हुजूर का उठना सबसे आला, हुजूर का बैठना सबसे आला, हुजूर का बोलना सबसे आला, हुजूर का चुप रहना सबसे आला, हुजूर का रातों को जागना सबसे आला, मेरे आका का मुसल्ले पे आना सबसे आला, मेरे आका का आंखों से आंसू गिराना सबसे आला, मेरे आका के कब्रिस्तान में जाके रोना सबसे आला, अरे हाँ हाँ मेरे आका का सहाबा की इमामत करवाना सबसे आला, मेरे आका की नमाज सबसे आला, आका का रोजा सबसे आला, आका की ज़कात सबसे आला, आका का हज सबसे आला, आका का उम्रा सबसे आला, आका के मुआमला सबसे आला, आका के अखलाक सबसे आला, आका का चेहरा सबसे आला, आका की आंखें सबसे आला, मेरे मोहम्मद का सर मुबारक सबसे आला, मेरे मोहम्मद की पलके मुबारक सबसे आला, मेरे मोहम्मद के कान की नौ मुबारक सबसे आला, मेरे मोहम्मद के बाल मुबारक सबसे आला, मेरे मोहम्मद के हाथ मुबारक सबसे
سے اعلیٰ میرے محمد کی وہ انگلیاں جو اٹھے تو چاند ٹکڑے ہو جائیں، سب سے اعلیٰ میرے پیغمبر کے قدم مبارک جو لگے تو یثرب مدینہ بن جائیں، سب سے اعلیٰ میرے آقا کا جسم مبارک، سب سے اعلیٰ آقا کی بیویاں، سب سے اعلیٰ آقا کی بیٹیاں، سب سے اعلیٰ آقا کے بیٹے، سب سے اعلیٰ آقا کے صحابہ، سب سے اعلیٰ آقا کے یار، سب سے اعلیٰ حضور کے وفادار، سب سے اعلیٰ حضور کے جانشار، سب سے اعلیٰ حضور کے غم گسار، سب سے اعلیٰ تو کہنے دینا حضور کے افعال، سب سے اعلیٰ حضور کے اعمال، سب سے اعلیٰ حضور کے اقوال، سب سے اعلیٰ حضور کے الفاظ، سب سے اعلیٰ حضور کی آواز، سب سے اعلیٰ حضور کا انداز، سب سے اعلیٰ میرے آقا کی مٹھاس، سب سے اعلیٰ میرے آقا پہ اترنے والا قرآن، سب سے اعلیٰ میرے آقا کو ہونے والی معراج، سب سے اعلیٰ عرشوں پہ رب سے ہونے والی ملاقات، سب سے اعلیٰ جی ہاں غار ثور میں صدیق اکبر کے ساتھ گزاری ہوئی رات، سب سے اعلیٰ آقا صدیق کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے، سب سے اعلیٰ آقا عمر فاروق کو مانگ کر، سب سے اعلیٰ آقا کو ملنے والا جامع القرآن عثمان، سب سے اعلیٰ آقا کو ملنے والا علی حیدر کرار فاتح خیبر، سب سے اعلیٰ میری آپ کی اماں بی بی عائشہ صدیقہ، سب سے اعلیٰ یہ سارے، سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ تو کہنے دے حضور کے منہ مبارک سے نکلنے والی احادیث مبارکہ، سب سے اعلیٰ تو پھر کہنے دے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، موقف ہے، مشن ہے، کاز ہے، انداز ہے، سبب ہے، کیا ہے، درس ہے، کہ اس وقت جو مٹی میرے آقا کے جسم اطہر کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کا رتبہ عرش معلا سے بھی نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، سیرت محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ آخری جملے دے رہا ہوں، یاد رکھنا، مجھے چاہے پھر بلانا نہ بلانا، میرا اس بستی میں آنا ہو نہ آنا ہو، قسم خدا کی اپنے اساتذہ کی لاج، پگڑیوں کی لاج رکھتے ہوئے ان کی جھوتیوں میں بیٹھ کر جو سبق سیکھا تھا تو جملے سنا کر اجازت لینے لگا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، مشکاہ شریف میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد زبانی نہیں فرمایا کرتے تھے، بد کلامی نہیں فرمایا کرتے تھے، جو ہم آج ہماری مجالس کا رواج بن گیا۔ لم یکن فاحشا ولا متفحشا، نہ تو آپ علیہ السلام خلقن اور طبعن ایسے تھے، نہ بتکلف ایسے تھے، ولا سخابن فی الاسواق، نہ بازاروں میں شور و شغب کیا کرتے تھے، ولا یجزی بالسیئات السیئات، نہ حضور علیہ السلام برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، ولیکن یعفو و یصفح، لیکن معاف اور درگزر کرتے تھے۔ بس یہ سبق یاد کر جانا کہ معاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ جب آپ کو اپنے نوکر پر غصہ آئے نا، اپنی دکان کے ملازم پر غصہ آئے، استاذ کو شاگرد پر غصہ آئے، ایک لمحے کے لیے وہ سوچ لے کہ حضور معاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ اور اگر وقت ہوتا تو میں بتاتا، حضور سے بہتر کوئی استاذ نہیں، صحابہ سے بہتر کوئی شاگرد، وقت ہوتا تو میں یہ موضوع چھیڑتا نہیں، چھیڑ رہا۔ اور ایک آخری بات جو میں نے قصیدہ حسنہ کے اندر پڑھی تھی، آخری واقعہ بڑا مشہور ہے، لیکن میں نے اس سے ایک سبق جو مجھے ملا وہ سنا کے اجازت لینے لگا ہوں۔ عید کا دن تھا، نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے جا رہے تھے، رستے میں بچے کھیل رہے تھے، بڑا مشہور قصہ آپ نے بار بار سنا ہوا ہے، میں صرف ایک جملے کی وجہ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ بچے کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی نے سلام کیا، بچوں نے سلام کا جواب دیا، آگے تشریف لے گئے، دیکھا ایک بچہ گھٹنوں میں سر دے کے رو رہا ہے، پوچھا بچے روتا کیوں ہے، سب نے اچھے اچھے کپڑے پہنے، تو نے کیوں نہیں پہنے، بچے نے یوں سر اٹھا کے اوپر دیکھا، زندگی میں پہلی دفعہ کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ بچہ کہنے لگا کہ ان کو اچھے کپڑے پہنانے والے ان کے گھروں میں موجود ہیں، میرا کوئی ہوتا تو مجھے بھی پہناتا۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کو اٹھایا، عیدگاہ کی طرف جانے کی بجائے واپسی گھر میں آ گئے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ اس کو تیار کرو، غسل دو، نہلاؤ دھلاؤ۔ آج احمد بھائی اپنی نعت کے اندر بھی اسی طرح کا قصہ مجھے سنا رہے تھے اپنے مدرسے میں، تو جب نہلا دھلا دیا گیا، تیار کر دیا گیا، تو امی عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ
आप ईद पढ़ाने चले जाएं, सहाबा इंतजार में होंगे। काली कमली वाले ने फरमाया, ऐशा नहीं, इसको रोते देखा था, जब तक हंसते नहीं देख लूंगा नहीं जाऊंगा। बच्चा तैयार हो गया, सुरमा लग गया, बिल्कुल तैयार हो गया। अल्लाह के नबी ने पूछा, बेटा ये बताओ, बाप जिंदा था, वालिद के साथ ईद पढ़ने जाया करते थे, उंगली पकड़ के जाते थे या कंधों पे बैठ के जाते थे? कहा या रसूलल्लाह, कंधों पे बैठ के जाता था। हुजूर नीचे बैठ के फरमाया, बैठ जाओ मेरे कंधों पर। अब वो जुमला आ रहा है जिसकी वजह से मैंने पूरा किस्सा मुझे सुनाना पड़ा है। जब अल्लाह के नबी वहां से गुजरने लगे, वो बच्चे जिनसे पहले सलाम किया था और उन्होंने जवाब दे दिया था, कसम खुदा की वो बच्चे धाड़े मार मार के रोने लग गए। काश के आज हमारे बाप भी मरे हुए होते और हमें भी अपने पैगंबर के कंधों की सवारी मिल जाती। ये है यतीमों से मोहब्बत, ये है गरीबों से। एक गरीब अल्लाह के नबी की खिदमत में ना ककड़ी लेकर आया, ककड़ी तर, हमारी जुबान में तर कहते हैं, तर लेकर आया अल्लाह के नबी की आदत मुबारक है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कोई भी चीज़ हुजूर की खिदमत में आती तो अल्लाह के नबी थोड़ी सी खूब तनावुल फरमाते थे, बाकी सहाबा में तकसीम कर देते थे। तो उस दिन भी अल्लाह के नबी ने खिलाफ मामूल, अब सहाबा इंतजार में बैठे होंगे कुछ हमें मिल जाएगा पैगम्बर का बचा हुआ तबर्रुक, क्योंकि नए नए लोग भी आया करते थे, उनकी भी तमन्नाएँ होती थी। तो उस दिन भी अल्लाह के नबी ने खिलाफ मामूल सारी ककड़ी खुद नोश फरमा ली। जब वो बंदा चला गया, सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, आज आपने फिर खिलाफ मामूल काम फरमाया, कहाँ से लाओगे ऐसा नबी? नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मेरे सहाबा, वो जो ककड़ी लाया था वो बहुत कड़वी थी। मैंने कहा कि अगर मैं थोड़ी सी ककड़ी खा के बाकी तुम्हें दे देता, तुम चीख पड़ते, तुम कहते हो तो शर्म नहीं आई मेरे पैगंबर को कड़वी ककड़ी खिलाते? उसका दिल टूट जाता, किस दिल से वो मेरे पास लेके आया था। यूं गरीबों से मोहब्बत करके दिखाई। एक मरतबा एक सहाबी हुजूर की खिदमत में, अरसला मेरा बच्चा गुम हो गया, दुआ कर दे मिल जाए। अभी अल्लाह के नबी दुआ करने लगे, एक बंदे ने कहा, या अरसला, वो फलाने बाग में मैंने इसके बच्चे को खेल, उन्होंने कहा, है कौन से बाग में? उसने बताया फलाने बाग में। वो बंदा ने जल्दी से उठकर जाने लगा, हुजूर ने फरमाया, एक मिनट ठहर जा। जी या अरसला, हुक्म। अल्लाह के नबी ने फरमाया, देख मेरी बात सुनना, जब तू जाएगा, तेरा बच्चा तुझे मिलेगा ना, उसका नाम लेके बुला लेना, बेटा ना कहना, बेटा। यरसूल, कह भी लूं तो क्या हर्ज, मेरा अपना बेटा है, अपना बेटा है ना, कह भी लूं तो क्या हर्ज। अल्लाह के नबी ने फरमाया, भाई देखो, 3 दिन का वो तुझसे पिछड़ा हुआ है, तेरे लहजे में बलाओं किस्म की मिठास होगी, वहां बेटा न कहना, मेरी बात मान लियो, घर में लाकर लाड प्यार कर लियो। अगर तूने वहां बेटा कह दिया, हो सकता है वहां कोई यतीम बच्चा खड़ा हो, उसके दिल के अंदर अगर ये बात आ गई, काश मेरा बाप होता, मुझे भी बेटा कह के बोले। बस मेरे दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलाम की एक सहाबी ने खिदमत की, तो जब खिदमत के सिफारे हुआ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सल मिन्नी तोता, आज मांग तुझे मिलेगा, आज मांग तुझे मिलेगा। जिस तरह उमर सिद्दीकी भाई को कोई बच्चा पानी पिला दे तो ये खुशी में आकर कहे, बेटा आज तो मैं तेरे लिए ये दुआ करता हूँ। इसी तरह अल्लाह के नबी ने, मांग तुझे मिलेगा, तो उस सहाबी बड़ा समझदार था, उसने कहा, अस्अलुका मुराफ़क़ताका फिल जन्नत, मैं जन्नत में भी आपका पड़ोस चाहता हूँ, जन्नत में भी आपकी खिदमत चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई मुश्किल काम नहीं, आइन्नी आला कसरत सुजूद, नमाज की पाबंदी करना, नमाज कभी ना छोड़ना। आखिरी जुमले बस, ये हकीकत में आखिरी हैं। मिश्कात शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी से एक सहाबी ने पूछा, क़यामत कब आनी है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है? उसने कहा, कोई तैयारी नहीं है, बस इतनी बात है मेरे दिल में, अल्लाह और उसके पैगंबर की सच्ची मोहब्बत है। हुजूर ने फरमाया, फिर परेशान न हो, क़यामत वाले दिन तू उसी के साथ उठेगा जिससे तू दुनिया में सच्ची मोहब्बत करता। आज से दिल में 2 इरादे कर लो, और मेरी गुफ्तगू का काम पूरा हो गया और मेरा मकसद भी पूरा हो गया। एक तो ये इरादा कर लो कि आज के बाद जिस भाई की दाढ़ी नहीं है वो दाढ़ी रख लेंगे। देखो मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, पूरी गुफ्तगू का यही खुलासा। आप में से एक बंदे ने भी ये इरादा कर लिया तो मेरी बख्शिश का जरिया बन जाएगा, इतनी देर बैठना काम आ जाएगा। इरादा करते हो भाई, बुलंद आवाज से बोल दो आखिरी। दूसरा इरादा ये कर लो, कुछ भी हो जाए, नमाज कभी नहीं छोड़ो।
حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, آپ نے نماز کبھی نہیں چھوڑنی. تیسرا ارادہ یہ کر لو, دل و جان سے محبت کر. ہماری تو جان بھی نبی ہے, ہمارا تو دل بھی نبی ہے, دلبر بھی نبی ہے, رہنما بھی نبی ہے, رہبر بھی نبی ہے. بات پھر لمبی ہو جائے گی, انتظامیہ والے کہہ رہے ہیں جلدی ختم کر دو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے. بھائی دیکھو, انتظامیہ والوں سے میں معذرت چاہتا ہوں, وقت اوپر نیچے ہو گیا ہو مجھے معاف کر دینا اللہ کی رضا کے لیے. آپ سے بھی درخواست ہے, اگر آپ میں سے کسی کی میری گفتگو سے دل آزاری ہوئی ہو, میں معذرت چاہتا ہوں.